गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के अभी बजे हैं 9:30 और पीछे देख सकते हो मेरे फॉगी फॉगी सा वेदर। बारिश कभी भी आ सकता है और मौसम तो बहुत ही अच्छा है। चाय वाय पी लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गर्मा गर्म टोस्ट के साथ चाय, इसका एक अलग ही मज़ा है। सुबह से ना एक बार इधर एक बार उधर एक बार कहीं कहीं बस बैठी रह रही हूँ, कुछ काम नहीं है। आज पूरा दिन मैं सोच रही घर में रहूंगी। इतना जब से निकली हूँ ना कोलकाता से, सिर्फ घूम ही रही हूँ। आज थोड़ी चंपी कर ली जाए, मैं सोच रही कि आज थोड़ा सा ना हेयर ऑयल से चंपी कर लेते हैं। और चंपी कौन करके देगा पता है? मेरा बेटा मुझे चंपी करके देगा। आज कोई मिला नहीं तेल लगा के देने के लिए, तो यही मिला तो यही अच्छे से ऑयलिंग कर देगा। आज लगता है जितना भी सर पे है सारा हाथ पे और जमीन पे आ जाएगा। थोड़ा धीरे बाबा, आपके पीछे जो टैटू ना उसको खा। इसको बोलते हैं जोरदार चंपी के साथ लिटरली टॉर्चर करना। मतलब चंपी कम, टॉर्चर ज्यादा हो रहा है मेरे साथ। छत पे आई थी, सोचा कि कुछ फोटो सेशन कर लेती हूँ अच्छे से और लगे हाथों बालों को भी सुखा लेती हूँ। ये तो हालत है बाहर मौसम का। वहाँ दूर पहाड़ों पर ना पूरा ब्लैक हो रखा है, बादलों से भरा हुआ है और बूंदाबांदी स्टार्ट हुआ है। अब भी मतलब बहुत ज़ोर से बारिश आएगी। छत पे गई मैं आराम से, सोचा कि अपने बालों को सुखा लूँगी धूप में हवा में। देखा ना ऊपर का क्या हालत है, 2 मिनट बाद बाद बारिश आ जाती है। यही एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, धूप कभी भी अच्छी वाली नहीं निकलती है। थोड़ी थोड़ी देर में बारिश। मालपुआ खा रही हूँ मैं, खाए जा रही हूँ। मेरा तो क्या हालत होगा वेट का मुझे नहीं पता। भयानक से मतलब बर्स्ट होकर के मैं जाऊँगी यहाँ से। क्या बना रहे हो? खुद आके देख लो, बता दो। देख लो ना क्या बना रहे हो। लड़की दुल्हन? हाँ दुल्हन बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा लग रहा है बनाने में? मुंह में क्या लगा है? ओ तिलक थामा बनी दिए छे। देखी 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 कितना सुंदर हालत है यहाँ का। बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता है। ना कपड़े सूखेंगे ना कुछ। ऐसी सीवियर बारिश रेनफॉल्स देख करके ना मेरे को तो सीरियस डिप्रेशन हो जाता है। बिल्कुल मेरा तो अभी से मन उदास हो गया है। कैसे क्या करेंगे ऐसी बारिश में, पूरा घर में ही बैठे रहेंगे क्या? यहाँ दोपहर का भोग दिया जा रहा है हमारे गोपाल को और फिर उसको सुलाया जाएगा। वो खा पी लेगा, उसके बाद उसको सुलाया जाएगा। तैयारी चल रही है। शाम के 7:10 बज गए हैं। आज का दिन ऐसे ही वेस्ट हो गया पूरा। रेस्ट करते करते इतना ज़्यादा रेस्ट कर लिया, कि पूछो मत। मतलब हद ही हो गई, बिना कुछ काम किए रेस्ट हो गया। एक्चुअली वैसे प्लानिंग मेरा ही था कि आज रेस्ट ही करेंगे हम लोग सारे। ये गुवाहाटी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, ये बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके उम्र का कोई नहीं है यहाँ पर। इसके साथ बात करने वाला भी कोई नहीं है। छोटे भाई बहन सब तो स्कूल ट्यूशंस पढ़ाई में बिजी है। ये भयानक बोर हो रही है। सुबह से मुँह फ़ोन पर घुसा कर बैठी है। क्यों, क्या करूँ मैं? कल निकलेंगे, कल प्लान बनाते हैं। आज का दिन थोड़ा रेस्ट कर लिया, क्योंकि जब से कोलकाता से निकले हैं ना घूम ही रहे हैं, तो आज का दिन रेस्ट पे हो गया है। कल निकलते हैं। बोरियत भगाने का एक और इलाज है मेरे पास, चाय। तो अभी फिलहाल चाय पिया जाए। वैसे भी शाम से अभी तक चाय पिया नहीं है, तभी चाय पी करके थोड़ा सा फ्रेश लगेगा शायद से मन को। ये তো কে দাঁড়া আমার চার্জ নেই না তো দেরি হয়ে যাবে শোনা তার তোকে ওই মেটার কথা মা সব করতে করতে কিন্তু দেরি হয় ইংলি বুলি একটা क्या चल रहा है? इसकी स्टडीज चल रही है। अच्छा एक बात बताओ रिद्धि, मम्मी ये जो झोंटा पकड़ के खींचती है ये क्या हमेशा का ही है या कभी कभी होता है ऐसे? कभी 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 होता है, पर मैं तो जब से देख रही हूँ तब से ही मार खाई जाती है। मायर चूलर मुठी थोड़े नाड़ा कैम लागे रे माटा खेते मायर कच्चे? ओ अच्छा, ना होले मा मारे ना बोल। अच्छा
এই যে খাচ্ছিস মা এখনই দেখলে কিন্তু আবার ঝুঁটিটা ধরে নাড়িয়ে দেবে। মা নেই, একটা আমার কাছে ভালো আইডিয়া আছে, চুলটা পুরো বয়কট করে নে, চুলও থাকবে না আর মা ঝুঁটি ধরে নাড়াতেও পারবে না। নাও আর ইসকো দেখলো আর দো তাকিয়া লে লো। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे बच्चे वैसे भी चेतन भगत नहीं पढ़ते हैं। छोटी हो तुम? मैं छोटी नहीं। छोटी, दूध के दांत भी नहीं गिरे अभी तुम्हारे। तेरे भी नहीं गिरे, तू क्या हंस रही है? चलो अभी मम्मी आएगी ना, झूठी पकड़ के ऐसा खींचेगी, फिर हंसी सब निकल जाएगा। पढ़ो, चलो बहुत हो गया। अभी भी एक भी सम नहीं किया। अच्छा है। छोटा मोटा ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। अब शिलोंग आ गए हैं, मजा आ रहा है बहुत। आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर से करना। और हम लोग अब खेलेंगे और आप लोग सो जाओ। बाय।